नमस्कार, मैं दिव्या धारा। इस खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मलेशिया की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रविवार को इसकी राजधानी पहुंचे। रक्षा मंत्रालय ने कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की है। रक्षा मंत्री दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गहरा करने के लिए मलेशिया की यात्रा पर है। बता दें कि राजनाथ सिंह अपने समकक्ष दातो सेरी मोहम्मद हसन के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इसके अलावे राजनाथ सिंह मलेशिया के प्रधानमंत्री वाईबी दातो सेरी अनवर बिन इब्राहिम से भी मुलाकात करेंगे। देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में सुमार वंदे भारत अब एक नए रूप में आने वाली है। वंदे भारत एक्सप्रेस का कलर बदलने वाला है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की जानकारी दी। अश्विनी वैष्णव ने चेन्नई में इंट्रीगल कोच फैक्ट्री का दौरा किया, जहां वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया जाता है। नई वंदे भारत को केसरिया रंग से लॉन्च किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसे शुरू नहीं किया गया है, लेकिन चेन्नई की इंट्रीगल फैक्ट्री में बनकर यह तैयार है। बिहार से रोजगार की तलाश में पलायन करने की मुख्य वजह बिहार में औद्योगिक इकाइयों की कमी होना है। ऐसे में बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। बिहार में जल्दी स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक और चिप्स की यूनिट लगने जा रही है। दरअसल निवेश प्रोत्साहन पार्षद ने बिहार के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 2 करोड़ से अधिक के 19 निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दे दी है। इनमें कुल 156 करोड़ के निवेश प्रस्तावित है। सबसे अधिक निवेश खाद्य प्रसंस्करण और हेल्थ सेक्टर में है। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट के विस्तार और फेरबदल की अटकलें तेज हो गई हैं। इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों अपने आवास पर नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बीच केंद्रीय कैबिनेट के फेरबदल की तारीख सामने आ गई है, जो कि 12 जुलाई को होनी है। पीएम मोदी ने कई साल पहले रफाल खरीदे थे तो उसको लेकर खूब बवाल भी देखने को मिला था। तब राफेल पर बड़े स्तर पर राजनीति होने लगी थी। कांग्रेस ने राफेल को खरीदने में भ्रष्टाचार की बात कही थी। इन सबके बीच फिर से पीएम मोदी ने 26 राफेल खरीदने के मन बना रहे हैं। पीएम मोदी 13 से 14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वह फ्रांस की राष्ट्रीय परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। इस दौरे का भारतीय तटों की सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में भी बेहद अहम माना जा रहा है। इस बीच ही पीएम नौसेना के लिए लड़ाकू विमान रफाल का एम वर्जन खरीदने की डील भी करेंगे। परिवहन की ऊंची लागत के चलते रूस से खरीदे जा रहे कच्चे तेल पर भारत का फायदा घटकर $4 बैरल पर आ गया है। पिछले साल मध्य में यह छूट $30 बैरल थी। रूस से तेल के परिवहन के लिए जिन इकाइयों को नियुक्त किया गया वे भारत से सामान्य से काफी ज्यादा माल ढुलाई कीमत ले रहे हैं, जो $9 से $11 प्रति बैरल है। संजय गांधी पीजीआई के डॉक्टर ज्ञानंद ने 8 साल के बच्चे का एड्रिनल ग्रंथि का ट्यूमर रोबोटिक सर्जरी से निकाल दिया। दावा किया गया है कि यह सर्जरी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण भारत के किसी भी सरकारी संस्थान में होने वाली पहली ऐसी सर्जरी है जिसमें किसी बच्चे के एड्रिनल ग्रंथि के ट्यूमर को पोस्टीरियर रेस्ट्रोपेरिटोनियोस्कोपिक विधि से निकाला गया है। भारत ने इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक संकट से उबरने की श्रीलंका की कोशिशों का समर्थन करने में रचनात्मक भूमिका निभाने की अपनी इच्छा दोहराते हुए हर संभव सहयोग का ऐलान किया है। कोलंबो में निर्माण बिजली एवं ऊर्जा एक्सपो 2023 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए भारत के उप उच्चायुक्त विनोद के जैनकब ने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच हाल में ही गहरे हुए परस्पर संबंधों ने दोनों देशों के बीच दोस्ती और सर्वांगीण सहयोग को मजबूत किया है। दूरसंचार कंपनियों के राजस्व में वॉइस कॉल का हिस्सा पिछले 10 साल में 80% तक घट गया है। वहीं एसएमएस सेवाओं से राजस्व में 94% तक की कमी आई है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की ओर से जारी एक परिपत्र के अनुसार यह गिरावट पिछले 10 साल में इंटरनेट आधारित कॉलिंग और संदेश सेवा का इस्तेमाल बढ़ने से आई है। भारतीय सेना की अग्निपथ स्कीम के तहत जल्द ही अग्निवीर अलग अलग यूनिट में शामिल हो जाएंगे। पहले बैच की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगले महीने पहला बैच भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान ही कई युवा बीच में ही चले गए हैं। अलग अलग वजहों का हवाला देकर सेना को अलविदा कहने वाले युवाओं पर अब कार्रवाई भी हो सकती है और उनसे ट्रेनिंग में खर्च हुई रकम भी वसूली जाएगी। समान नागरिक संहिता पर बढ़ती बहस के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि इसके बारे में बातें सिर्फ हवा हवाई है, क्योंकि इसका कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने लोगों से जुड़े वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह गुगली फेंकी है और वो राजनीतिक हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की राजनीति दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश ने कहर बरपाया है। दिल्ली में तो बारिश ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। जितने बारिश यहाँ बीते दिन हुई उतनी तो बारिश पूरे 41 साल में भी नहीं हुई। इस वक्त दिल्ली में सड़कें जलमग्न है तो वहीं यातायात बुरी तरह से प्रभावित है। ऑफिस जाने में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, इसलिए कई जगहों पर वर्क फ्रॉम होम के आदेश दे दिए गए हैं।
वाशिंगटन डीसी में छात्रों को अब सिख धर्म के बारे में जानने का अवसर मिलेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख धर्म या सिखी को शामिल करने के पक्ष में मतदान किया है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय वाशिंगटन डीसी को अमेरिका के 17 अन्य राज्यों के साथ जोड़ता है, जिन्होंने सार्वजनिक स्कूलों के लिए अपने सामाजिक अध्ययन मानकों में सिख धर्म का सटीक प्रतिनिधित्व करने के महत्व को पहचाना है। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय निरंतर प्रयास कर रहा है। मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने अपनी रणनीतिक निवेश लक्ष्य पहल के तहत 30 देशों के विभिन्न क्षेत्रों के 106 कंपनियों की पहचान की। इस पहल का उद्देश्य निवेश को बढ़ावा देना है। भारत में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आईसीसी टूर्नामेंट के 13वें सीजन में पाकिस्तान सहित कुल 10 टीमों को खेलना है, लेकिन पाकिस्तान इसमें बार बार पेच फंसा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने विदेशी मंत्री बिलावल भुट्टो की अगुवाई में 11 मंत्रियों का एक जांच दल बनाया है। यह दल पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के भारत आकर उसके तय वेन्यू में खेलने को लेकर अंतिम फैसला करेगी। जांच दल जल्द भारत का दौरा कर सकता है और अपनी रिपोर्ट पीएम को देगा। पाकिस्तान को भारत में अहमदाबाद समेत 5 वेन्यू पर मुकाबला खेलने हैं। टूर्नामेंट के मुकाबले 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच खेले जाएंगे। केवल वोट बैंक के तौर पर ही नहीं बल्कि भारत के मिडिल क्लास की पावर हर मामले में बढ़ रही है। प्राइस आईसी की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की कुल जनसंख्या में 31% जनता मिडिल क्लास के दायरे में आती है। साल 2047 तक ये आंकड़ा 60% हो जाएगा, मतलब देश की आधी से ज्यादा आबादी मिडिल क्लास की होगी। जब देश की आज़ादी को 100 साल हो जाएंगे तो मिडिल क्लास की संख्या 1 अरब के पार हो जाएगी। ऑपरेशन गोल्ड माइन के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय ने सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 48.20 किलोग्राम सोने का पेस्ट जब्त किया है। यह हाल के दिनों में किसी हवाई अड्डे पर सोने के पेस्ट की सबसे बड़ी बरामदगी में से एक है। भारी बारिश के कारण पंजाब में जहां 2 दिन में ही बाढ़ जैसे हालात बने हुए, वही अब भाखरा और पोंग डैम का जलस्तर बढ़ने से हालात और ख़राब होने की आशंका जताई जा रही है। बांधों के गेट खुलते ही लोगों को भयावह मंजर का सामना करना पड़ सकता है। पंजाब में जुलाई माह में आवश्यक बारिश का 2 दिन में ही 67% पानी बरस चुका है। 25,000 एकड़ से ज़्यादा धान की फसल जलमग्न हो चुकी है। पूरे राज्य को हाई अलर्ट पर रखा गया। मोहाली सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां कई इलाकों में 2 फीट से अधिक बारिश का पानी भर गया है। भारत अपना तीसरा मून रॉकेट चंद्रयान लॉन्च करने जा रहा है। इस लॉन्च को देखते हुए तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। इस लॉन्च के चलते श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें कि इस रॉकेट को 14 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। मणिपुर में इंटरनेट बहाल करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची। राज्य सरकार ने कहा है कि स्थिति में बार बार बदलाव हो रहा है, अब इस आदेश पर अमल से मुश्किल हो सकती है। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा इस सप्ताह भारत जाएंगे। यहाँ वह अहमदाबाद में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर की बैठक में हिस्सा लेंगे। यह विश्व बैंक का अध्यक्ष पद संभालने के बाद से बंगा की पहली भारत यात्रा होगी। बता दें कि भारतीय अमेरिकी बंगा ने जून में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला था। बारिश की वजह से देश के कई राज्यों में हालात बदतर हो चुके हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में भयावह स्थिति है। सड़कें जलमग्न है, कई मार्गों पर बड़े बड़े जाम देखने को मिल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। इस दौरान हजारों तीर्थयात्री जम्मू और गुफा मंदिर के रास्ते में फंसे हुए हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से हालात की जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से भारत के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक बारिश से पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक ट्वीट में यह जानकारी दी है। पीएमओ ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों से बातचीत की और भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा के मद्देनजर पैदा हुई स्थिति की समीक्षा की है। स्थानीय प्रशासन NDRF और SDRF की टीमें प्रभावित लोगों की कुशल क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में रविवार को भारी बारिश के कारण बार बार जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिना पहचान पत्र देखे 2000 रुपए का नोट बदलने के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने RBI के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिनमें नागरिकों को 2000 रुपए के नोटों को बिना किसी मांग पर्ची और ID प्रूफ के बदलने की अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों को पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में अनियमितताओं को लेकर TMC नेता अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट का कहना है कि वह मामले में चल रही जांच को बाधित नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि वह कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा करने से मामले में चल रही जाँच को रोकना पड़ेगा।
एलन मस्क की कंपनी ट्विटर ने गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार को आधिकारिक खाते को ब्लॉक कर दिया है। इस क्षेत्र में कुछ हिस्सों को भारत के लोकेशन में दिखा रहा है। इसके अलावा जब पाकिस्तानी यूजर ऐप पर लोकेशन फीचर चालू करते हैं तो एरिया से भेजे गए ट्वीट्स को भारत के कश्मीर में आने वाले ट्वीट्स के रूप में दिखाता है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद समेत कई जिलों में 696 बूथों पर आज पुनर्मतदान हो रहा है। 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद राज्य चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया था। चुनाव आयोग को वोटिंग के दिन बूथों पर मत पेटियों को नुकसान पहुंचाने, पीठासीन अधिकारियों पर हमले और फर्जी मतदान की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने मतदान को रद्द कर दिया था। भारत में ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहे, हर दिन नए नए मेलवेयर और स्पाइसवेयर सुरक्षा में एक चुनौती प्रदान कर रहे। गूगल प्ले स्टोर पर इस तरह के दो नए स्पाइवेयर देखे गए हैं जो लाखों भारतीय यूजर्स के डेटा को चीन को भेज रहे हैं। ये स्पाइवेयर यूजर्स को यह पता लगाने से रोकते हैं कि वे वायरस संक्रमित हो चुके हैं। दो ऐप्स फाइल रिकवरी एंड डेटा रिकवरी एंड फाइल मैनेजर इनमें शामिल हैं और इनके साथ 15 लाख यूजर्स का संबंध है। स्वैच्छिक दिवाला प्रक्रिया से गुजरी एयरलाइन गोफर्स्ट की बिक्री की प्रक्रिया शुरू हो गई। गोफर्स्ट में चली दिवाला प्रक्रिया की निगरानी के लिए अदालत की ओर से नियुक्त समाधान पेशेवर प्रशासक ने संभावित निवेशकों से रुचि पत्र आमंत्रित किए हैं। एयरलाइन के समाधान पेशेवर शैलेंद्र रजमेरा ने ईएसओआई के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है। गोफर्स्ट में रुचि दिखाने वालों में से 9 अगस्त 2023 तक आवेदन मांगे गए हैं। कनाडा में भारतीय दूतावास के बाहर खालिस्तान समर्थक और भारतीय समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दूतावास के एक और खालिस्तान तो दूसरी ओर भारत समर्थक मौजूद थे। भारतीय समुदाय के लोगों ने देश के पक्ष में नारेबाजी कर अपनी एकता दिखाई और खालिस्तान समर्थकों को कड़ा जवाब दिया। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है अंशुप्रिया, जितेंद्र ठाकुर, मोहम्मद साकिर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, रविशंकर। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपके इलाके में बारिश की क्या स्थिति बनी हुई है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।